हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम पठानी यास्मीन। आई एम योर गुजराती टीचर। सो वी आर कनेक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज ऑफ कोविड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 6। भाई बंद मारो बोलियो हू। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पोयम है, उसके संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक तूफानी बार्कस। बार्कस मीन्स बाढ़क, बच्चा। पोते आँखों सर्कस, वो एक पूरा सर्कस लेके फिरता था। सर्कस मतलब कि वहाँ पे कॉमेडी होती है। आप गए हो ना सर्कस में, आपने देखा है कैसे हंसाते हैं, जोकर रहते हैं। वो भी इसी टाइप का एक तूफान करने वाला बच्चा था। वंदो वीछी इंडू देड़कु तेने खिस्से चढ़े, कैंक ने क्या कोई नहीं साते वड़े आथड़े लड़े। उसके खिस्से में मतलब कि जेब में कुछ ना कुछ रहता था। वो किसी के साथ भी लड़ता झगड़ता रहता था। मस्ती करना, तूफान करना, उसका नेचर एकदम अलग था। रोजे रोजे ने नीत नवा थता एना फारस, पोते जाखू सर्कस। इसका मतलब कि हर रोज़ कुछ ना कुछ वो नई नई हरकतें करता था। गाठिए बराता पग एक दी लटकी पड़िया ऊंधा। तो क्या होता है कि एक दिन उसका पैर गाड़ी में फंस जाता है और वो ऊंधा लटक जाता है। उसको समझ आता है कि इस तरीके की हमको कोई मस्ती तूफान करने से हमको ही नुकसान होगा। जतू आओ तू लोग कहे आवाज़ एना धंधा, जाने वाले सब लोग उनको कहते थे कि ये तो इसका काम ही ऐसा ही है। हंसो दया ना कोई आ छेतरवाना कारस, जो तू उभू सर्कस। कोई इसके ऊपर रहम मत करना, दया मत करना, ये तो हमको छेतरवाना मतलब के बेवकूफ़ बनाने के काम करता रहता है। वही उतरियू मोड़े आँखें डोड़ा थई गया दड़ी। सब उसको समझ में आया और वो समझ गया कि इसे करने से मेरा ही नुकसान होगा। उसके सर में लोही आ गया, मतलब कि उसको समझ आया कि ऐसा गलत काम करना नहीं चाहिए। हे फाड़ता तूफानी बोलिया उतारो अब घड़ी, और वो बोलने लगा कि अब मैं मस्ती धुमाल नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे नीचे उतारो। हेटे लावी बापा पूछे माणस छोके फानस, सुधरी गया बार्कस। तब उसके पिताजी ने उसे नीचे उतारा और वो सुधर गया।